कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का सिलसिला लगातार जारी है। चमोली से कांग्रेस के पांच नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए। इससे चमोली जनपद में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति जो विकास को प्राथमिकता देता है, वो भाजपा का दामन थाम सकता है। प्रदेश सरकार की उपलब्धि केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर, हमारा सीमांत जनपद है, सीमांत जनपद का जब रेल आती है, लोगों को दिखती है, ऑल वेदर रोड दिखाई देता है, तो किसी भी दल का जो ऐसा व्यक्ति है जो विकास को ही प्रमुखता देता है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। मैं आज पांच लोग हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं। चमोली जनपद की कांग्रेस की रीढ़ थी, वो रीढ़ आज हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ कि भविष्य के अंदर चमोली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ।